नमस्कार। क्लास एट एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 8 हम शुरू करने जा रहे हैं। इसमें हम देख पा रहे हैं, हमें दिया गया है 15 गुना वाई माइनस 4 माइनस 2 गुना वाई माइनस 9 प्लस 5 गुना वाई प्लस 6 बराबर 0। हमें इस समीकरण को हल करके इसका मान निकालना है। समीकरण का हल का मतलब है जो भी चर है, जैसे इस क्वेश्चन में चर है वाई, वाई का मान हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप देखें कि इस क्वेश्चन में हर ब्रैकेट के साथ एक नंबर गुना हो रहा है। इस ब्रैकेट के साथ भी ये नंबर गुना हो रहा है, इस ब्रैकेट के साथ भी एक नंबर गुना हो रहा है। तो ये नंबर y से भी गुना होगा और 4 से भी। 2 जो है ये y से भी गुना होगा और 9 से भी, ये दोनों से गुना होता है। 5 जो है ये y से भी गुना होगा और 6 से भी गुना होगा। तो आइए करते हैं। 15 गुना वाई हो जाएगा 15y, माइनस का निशान। 15 गुना 4 हो जाएगा, 15 चौके होता है 60। आगे माइनस 2 गुना वाई हो जाएगा माइनस 2y, और माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस। बस निशानों का बच्चों ध्यान रखना है। माइनस गुना माइनस हो जाएगा प्लस, और 2 गुना 9 हो जाएगा 18, 2 9 18। इसके बाद प्लस 5 गुना वाई, 5 गुना वाई हो जाएगा 5y, ये वाला। और 5 जब 6 से गुना होगा प्लस गुना प्लस प्लस, 5 छीके हो जाएगा 30 बराबर 0। बस अब हमें इसे सिर्फ हल करना है और कुछ नहीं। ठीक है बच्चों, तो इसके लिए देखिए बड़ा सरल सा काम है कि y वाली रकमें लेफ्ट साइड पे छोड़ दो, बिना y वाली रकमें राइट साइड पे ले जाओ। राइट साइड किसकी? बराबर की। तो मैं बीच में बराबर का निशान डालता हूँ। 15y यहीं छोड़ दो, माइनस 2y भी यहीं छोड़ दो, और 5y प्लस 5y भी यहीं छोड़ दो, बिना y वाली रकमें उस तरफ। देखो ये इनके सबके साइन, जो भी चीज़ बराबर के उधर जाती है उसका निशान बदल जाता है। ये माइनस 60 है, जब यह बराबर से उधर जाएगा तो ये बन जाएगा प्लस 60। ये प्लस 18 है, जब ये बराबर से उधर जाएगा तो ये बन जाएगा माइनस 18। ये प्लस 30 है, जब ये बराबर के उधर जाएगा तो ये बन जाएगा माइनस 30। अब देखो ये 15y था, ये यहाँ लिख लिया, माइनस 60 उधर जाके प्लस 60 बन गया। माइनस 2y था, ये इधर लिखा। क्यों इधर लिखा? y वाली तीनों रकमें बराबर एक साथ रखी हैं। प्लस 18 था, उधर जाके माइनस 18 बन गया। प्लस 5y था, इसको यहीं रहने दिया। जो यहीं रह गया उसका साइन नहीं बदला, जो उधर चले गए उनके साइन बदल गए। प्लस 30 था, वो उधर जाके माइनस 30 हो गया। यहाँ 0 था, तो 0 में कोई भी नंबर प्लस या माइनस करो वो नंबर वैसा ही रहता है, इसलिए 0 गायब हो गया। तो आइए अब इसे हल करते हैं। ये है 15y माइनस 2y 13y, 13y प्लस 5y 18y। समझ आया बच्चों? वैसे भी कर सकते हो, 15y प्लस 5y 20y, 20y में से 2y माइनस कर दिया 18y बराबर। इस तरफ देखो क्या हो गया, 60, 60 में से 18 माइनस कर दो। देखो 60 में से 18 माइनस कर दो तो ये आ गया 42। ठीक है बच्चों, और 60 में से 18 माइनस किया 42, 42 में से 30 माइनस कर दो, 42 में से जब 30 माइनस करा तो हमारे पास आ गया 12। ठीक है, इसका मतलब 60 माइनस 18 माइनस 30, ये हमारे पास बचेगा 12 के बराबर। अब यहाँ है y बराबर 12, 18y के साथ गुना हो रहा है तो उधर जाके क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। अब ये आपस में कट जाएंगे। देखो ये किसके पहाड़े में कट सकते हैं, 12 और 18, ये 3 के पहाड़े में भी कट सकते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ 6 के पहाड़े में भी कट जाएंगे। 6 दूनी 12, 6 ती 18, तो ये किसके बराबर आ गया? 2/3 के बराबर। हमने इस प्रश्न में y का मान निकालना था, और y जो है वो हमारे पास किसके बराबर आ गया है? 2/3 के बराबर आ गया है। यही इस प्रश्न का सॉल्यूशन है। आशा करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ आया होगा अच्छे से, और यदि आपको मेरी मदद समझ आई तो इस वीडियो को बच्चों लाइक ज़रूर करना। आपकी लाइक से हमें और मेहनत से वीडियोस बनाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।